में खाई हुई मिठाई जो अंधेरी नगरी चौपट राजा टके शेर बाजी टके शेर खाजा। और प्लीज कृपा करके वीडियो को पूरा देखें अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। राम राम जी, राधे की रसोई थर स्वागत है। आज मैं ली हूँ एक पाव जैसी मैदा है, ये मैदा से मैं खाजा बना कर दिखाऊंगी था मैं। तो सबसे पहले मैंने ये के कर लू हाँ, जो तेल या घी कोई भी चीज को मैं रिफाइंड को अठे मोयन लगा रही हूँ। अच्छी मात्रा मोयन लगाना है ताकि अपना जो खाजा बना वह खस्ता खस्ता एकदम बढ़िया बने। जो जगन्नाथ भगवान का प्रसाद में भी थे देखा होगा बहुत बार आओ है, तो इस तरीका से मिक्स करना ही पूरा बढ़िया से। पूरा मिक्स करता है हाथ से, हल्का हल्का हाथ से चलाता है मिक्स करना हूँ। थोड़ा ज्यादा तौर तो अठे थे एक मुठ्ठी आटो भी मिला सकूँगी उसके अंदर। बहुत बढ़िया से इन्हें मिक्स करना हूँ, कैसे बढ़िया से मोयन देना है ताकि खस्ता खस्ता खाजा बने। देखो कितना बढ़िया सही मैं मुट्ठी में बन रही हूँ। अब हल्को हल्को पानी देता हूँ मैं इन्हें गूंथ कर तैयार करूंगी, तो एक खाजा बड़ा स्वादिष्ट लगे है खाने में और लगभग इन्हें एक महीना तक स्टोर कर सका है। सस्ती सुलभ और बहुत बढ़िया मिठाई है। इस तरीका से हाथ से गूंथता हुए इन्हें टाइट टाइट और एकदम तैयार कर ले लो। एकदम गूंथ कर तैयार है, अब इन्हें लगभग 15 मिनट तक छोड़ देनी है ताकि मैं पूरा लोचा के और बढ़िया तैयार होगी। एक बार चेक करा कि तरीका से तैयार है, एकदम रेडी है अपनो। अब उठा के ये मसल लोई तोड़ने हैं। अब लोई थारा हिसाब से है, बेलने की व्यवस्था जी हिसाब से हो। चकला पर अगर बेल रहे हो तो छोटी साइज की लोई ले हो, और अलग अलग परत करने के लिए केक करना हो मैं थाने बताऊं तो थाने बताऊं कि मेरी सादा सिंपल रेसिपी है। छोटा छोटा वीडियो डालू हूँ मैं, थाने रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कराया करो। इस तरीका से गोल कर लेना हूँ और गोल करता हूँ यहाँ हाथ से इन्हें बेलनी। लगभग जितनी परत करनी है 6-7 परत की बनानी है, तो इस तरीका से पूरी बेल के तैयार कर लेनी। तरीका से रोटी की तरह पूरा बेल लेना हूँ मैं, 6-7 बेल के तैयार कर ले रही हूँ। एक तरीका से मैं 6-7 बेल के तैयार कर ली हूँ रोटी टाइप। छोटा बड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तरीका से एक के ऊपर एक लगाना हो, पानी और मैदा कुछ नहीं लगाना है क्योंकि चिपकाना नहीं है अपन तो, खुली खुली परतदार बनाना है। कम से कम भी 6 या 7 परत वाला बनाऊंगी, तो मैं इस तरीका से इन्हें एक के ऊपर एक रखता जाना हूँ। कोई भेद नहीं है, एकदम सादा सिंपल रेसिपी है। बनाओ और काफी दिन तक स्टोर करो नाश्ता के लिए। इस तरीका से एक दूसरा का सेट कर देना है। कोई रोटी अगर छोटी बड़ी भी मिलेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीका से दबाता हो यहाँ, फिर से इन्हें फोल्ड कर लो इस तरीका से। अब फोल्ड करने के बाद में इस तरीका से हाथ से पूरा थोड़ा लंबाई सेप दे लो ताकि और पतली बन जाए। इस तरीका से करता हूँ यहाँ, आगा पीछा से कट करके छोड़ दो ताकि बराबर आवे। इस तरीका से हटा देना हो और इस साइड से भी हटा देनी। अब एकदम बराबर बराबर लोई काटनी, जितनी पतली मोटी आपकी सुविधा के अनुसार आपका टेस्ट के अनुसार। इस तरीका से बराबर बराबर लोई कट कर लेनी। लोई में कट कर ली हूँ, नजर पड़ रही होगी कितनी परतदार बने हैं, तो इस तरीका से इन्हें लंबा सेप में हल्का हाथ से बेल देना, जितनी बड़ी साइज थन चाहे उतनी बड़ी। इस तरीका से सिर्फ लंबी साइज में, तो मैं इस तरीका से सब बेल के तैयार कर ले रही हूँ। साथ में मैं चाशनी बनाने के लिए तैयार करूँ हूँ क्योंकि चाशनी लगानी पड़ेगी। 2 कटोरी चीनी की ली हूँ और 1 कटोरी पानी की, और इन्हें लगभग 2 से 2.5 तार की चाशनी बना के तैयार करनी। तो चीनी गलेगी और चाशनी बनेगी, इतनी देर में मैं साइड में ये चाशनी तैयार हो जाओगी, साइड में मैं तैयार करूंगी। तेल गरम है एकदम, जो खाजा बनाई हूँ मैं उतार के तैयार करूंगा। तेल गरम है कि यह कढ़ाई मेरी ऑलरेडी छानने के लिए काम में आ है, तेल मेरा पूरा गरम है। प्राय मेरी कढ़ाई में तेल रहता तो ही रहा है हमेशा। इस तरीका से डाल मध्यम आंच में पकाना है ताकि अंदर तक भी बढ़िया से पक सके।
जासमी की चीनी लगभग गुड़ चुकी है और थोड़ी बची है, और ये एक साइड से पूरा सिक चुके हैं और मैं इन्हें पलट दी है। और थाना दूसरों तरीकों में बेलने को बताऊं, ज्यादा बड़ी रोटी नहीं बिना तो छोटी छोटी बेलनी है पूड़ी के जितनी बड़ी, और इन सबने आपस में चिपका देना है ऊपर नीचे इस तरीका से। और इस तरीका से चिपकाने के बाद में अब थेना आराम से बेल सकूँ इस तरीका से, क्योंकि पतली रहने से बहुत सा लोग बोला कि बेलने में दिक्कत हो है, तो इस तरीका से बेल सकूँ। इस तरीका से बेल कर पूरो लंबो और बड़ो जितना पाटो उतनी बड़ी कर सकूँ आराम से। इतना बढ़िया से पूरा बादामी कलर से सेकना है ना, एकदम सफेद कच्चा नहीं निकालना। इस तरीका से मैं सब सेक सेक के तैयार करूँगी। बन के तैयार है, बुलबुला उठे हैं एकदम, और आया नहीं देख सको तो आया भी देख सको हो तार करके। एक तार बन गया और इस तरीका से दूसरा तार साथ में छुटने लग गया, और गैस में ऑफ कर दिया क्योंकि वह दो तार की चाशनी बन के तैयार होने लगी है, और हल्की सी चाशनी में ठंडी होने लगेगी। ये सब मैं उठाऊंगी और चाशनी में डालूंगी, और चाशनी में डालने के बाद में एक एक करके बाहर निकाल के वापस रख दूंगी। तार की चाशनी है ना, चाशनी चिपक चुकी है, मैं थाना भी दिखाऊंगी वापस 2-3 मिनट के बाद में, फिर देखोगा कि चाशनी एकदम ऊपर चिपकी हुई है। इस तरीका से चाशनी में डुबाओ और वापस निकालो। अब मैं चाशनी लगा के तैयार कर ली हूँ। चाशनी में थोड़ी ज़्यादा बनी है तो कभी भी नहीं घबराना है, चाशनी अगर ज़्यादा बन जावे तो मैं वापस से चीनी बनाने के लिए भी एक वीडियो शेयर करूँगी था ना, कि चाशनी ज़्यादा बन जाए तो भी वापस चीनी बना कर यूज में कह ली जाए। ये मेरा खाजा तैयार होगा। बचपन में माँ जब बनाती खाजा तो बोलता कि अंधेरी नगरी चौपट राजा टके शेर बाजी टके शेर खाजा, ये वही खाजा तैयार है एकदम। तो खा के भरपूर आनंद उठाओ, तीज त्योहार का मौसम है, सूखी मिठाई